अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर, और जा किधर रहे हैं अभी कुछ नहीं पता, कोई प्लान नहीं है। जहाँ भी दिल करेगा, जहाँ बस चले जाएंगे। तो बस देखते हैं कहाँ जाते हैं, और कुछ खाना पीना भी है तो चलते हैं। सोचते सोचते बस हम लोग इस साइड पर आ गए, जौहर टाउन के साइड पे। और काफ़ी चीज़ें इधर से हम लोगों ने काफ़ी जगहों से ट्राई कर लिया। वह तो कुछ अलग सा सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए और क्या खाया जाए। देखें, उफ इतना देर ऐसे लग रहा है, अभी सामने से कोई चुड़ैल आ जाएगी रोड पे, जैसे हॉरर मूवीज में दिखाते हैं आधी रात को सुनसान रास्ते पर। Why not me again? अच्छा, हमारा वेट कर रहा है सच। जी तो हम पहुंच गए हैं यहाँ। देखें इधर का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा टेस्ट है इधर का। देखने में तो काफ़ी मज़े के बर्गर्स लग रहे हैं इन लोगों के, और अब खा के पता चलेगा कि पिक्चर्स में ही अच्छे लग रहे हैं या वाकई सही में असल में भी मज़े का है। तो चलें ट्राई करते हैं, ऑर्डर देते हैं इनको, फिर बताते हैं आपको कैसा रहा इनके साथ का एक्सपीरियंस। ऑर्डर करके वापस आ गई हूँ मैं गाड़ी में, क्योंकि स्काई के साथ हमें यहीं पर ही करते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी रश हो गया था तो सकून से खाया नहीं जाना था। तो यहाँ पर बंदा आराम से बैठते, बाहर भी देखते हैं और इजीली खा ले। तो बस अब इंतज़ार है, देखें कब तक आते हैं। बहुत देर हो गई है लेकिन अभी तक बर्गर नहीं आया हमारा, और जितनी मुझे बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है। तो बस फ्रेंड्स अभी तक नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ रह गए, क्या बनाना शुरू कर दिया। ऐसे पाए बन रहे हैं कि बर्गर बन रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँच रहे। इतनी भूख लग रही है मुझे यार, आ जाओ। और देखिए जनाब, पता नहीं कौन पीछे आकर, दो अदद लड़के, गालियों से बात शुरू, गालियों पर ही। और इधर ही खड़े हुए ऐसे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, दोनों साथ साथ चिपक चिपक कर आसमान की तरफ देखे। पता नहीं क्या कह रहे हैं सच में यार, इनका कोई अलग सीन लग रहा है मुझे। फाइनली बर्गर पहुंच गया हम तक, अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। देखने में अच्छा लग रहा है जी। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। बर्गर सही था, मतलब यूनिक सा टेस्ट था, बस सही लगा मुझे। मतलब बहुत भी अच्छा नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते, बस नॉर्मल था। देखिए सर, अंदर ही घुस जाना है इसने, आर पार हो जाना है मुझे लग रहा है। क्या कह रहा है ये, इसने टर्न, ओ तेरी, मतलब इसने इसने इधर से मुड़ना है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, सर्दी बाहर बड़े मज़े की होती जा रही है, इतनी मज़े की हवाएं बाहर, दिल कर रहा है कि वॉक की जाए, लेकिन रात ज़्यादा है, घर जाकर छत पर ही वॉक हो सकती है, यहाँ तो कोई चांस नहीं है वॉक करने का। तो बस घर जाकर ही देखते हैं क्या होता है।
ये नजर आए यार, इसकी ड्रेसिंग चेक करें, और थोड़े से आगे आए ना, वही तेरी, मुझे तो लग रहा है ये दुल्हन का लिबास चोरी करके पहना है। नीचे क्या पहना है इसने? किसके नीचे? इसको क्या कहें, पहना पहना है इसने, पहनेंगे क्या? मुझे नहीं, क्या पहन कर आ रही यार, यार ज्यादा हैवी उसने ड्रेस पहना है। उसे लगा कि उसको देखकर मैंने ना वीडियो बनानी शुरू कर दी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मैं पहले से ही वीडियो बना रही थी और उसकी ब्रेक्स लग गई और मुझे लगा ना तो उसने अब डांस शुरू कर देना था, तो मैंने जल्दी से अब कैमरा ऑफ करके जल्दी से मोबाइल रख लिया अंदर कि उसको ये ना लगे कि मैं उसकी वीडियो बना रही थी। तो बस शुक्र है कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं की उसने और सुकून से हम लोग निकले उधर से। ड्रेसिंग तो उसकी जो भी थी सो थी, उसका मेकअप भी बड़ा कमाल का था देखने वाला। हाँ, घर ही नहीं आ रहा, रास्ता इतना लंबा हो गया, जितनी नींद आ रही है उतना ही लंबा रास्ता हो गया, और बस इसे आगे मुझसे कुछ ना बोला जा रहा है ना मुझे कुछ समझ आ रही है, तो बेहतर है कि बस यहीं बंद कर दिया जाए मोबाइल और बस ख़त्म कर दिया जाए आज का व्लॉग यहीं तक। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में, किसी नई जगह पर, नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।